क्या आप जानते हो दोस्तों कौन सी मूवी दुनिया की ऑल टाइम नंबर वन ब्लॉकबस्टर है? ये सवाल सुनकर आपके दिमाग में जवाब आ रहे होंगे, अवतार, जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, स्टार वॉर्स या एवेंजर्स एंड गेम। और अगर आप सीधे तरीके से लिस्ट देखोगे तो नंबर वन पे अवतार ही दिखेगी आपको। $2.9 बिलियन इस फिल्म ने कमाया। नंबर टू पे एवेंजर्स एंड गेम ऑलमोस्ट $2.8 बिलियन। नंबर थ्री पे अवतार का सेकेंड पार्ट द वे ऑफ वॉटर $2.2 बिलियन। टाइटैनिक भी इसके काफी करीब सिमिलर नंबर पर। लेकिन इस लिस्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम है, साल भर साल टिकट का प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता रहता है। इसका मतलब जो मूवीज रीसेंट ईयर्स में रिलीज हुई हैं उनके लिए $2 बिलियन के मार्क तक पहुंचना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू वो मूवीज जो आज से 20 साल पहले रिलीज हुई हैं। इसीलिए अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया जाए तो इसका सही जवाब इनमें से कोई भी फिल्म नहीं है। दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एक्चुअली में है गॉन विद द विंड। अगर आपने इसका नाम कभी नहीं सुना तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये साल 1939 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की टोटल कमाई इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर है ऑलमोस्ट $4.2 बिलियन। लेकिन एक बड़ा कारण गॉन विद द विंड के नंबर वन पे होने का है कि इस फिल्म को 8 बार री रिलीज किया गया। क्या लगता है आपको फ्यूचर में क्या कभी कोई फिल्म इस फिल्म को बीट कर पाएगी?